देशभक्ति का सर्टिफिकेट क्या अब एक नारे के जरिए मिलेगा? ये बहस लंबे वक्त से इस देश में छिड़ रही है, कभी गाय को लेकर, कभी जेएनयू पर विवाद, जेएनयू के बाद होते हुए अब ये विवाद है भारत माता की जय के इर्द गिर्द। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, चाहे मेरे गले पे तुम गर्दन पे छुरी लगा दो, मोहन भागवत जितना सिखाना है देश को सिखाते रहे। इधर जावेद अख्तर साहब आज राज्यसभा में उठे और कहा भारत माता की जय बोलूंगा, तीन बार नारा लगाया, मोहल्ला छाप नेता बता दिया असदुद्दीन ओवैसी को और कहा यह सिर्फ मेरा कर्तव्य ही नहीं अधिकार भी है। अब सवाल यही कि इसे क्या सियासी नारा बनाया जा रहा है। इधर उन्हीं के पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक को निलंबित कर दिया गया क्योंकि भारत माता की जय बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। संबित पात्रा जी, चूंकि आपकी बात मैंने बीच में रोक दी थी उस वक्त, मैं चाहती हूं कि आप जवाब दें जो फहीम बेग साहब कह रहे हैं और एक इस तरह की राय है कि वो कहते हैं कि देशभक्ति क्या सिर्फ देश को मां बोलकर ही तय की जाएगी। देखिए, कोई नहीं कह रहा है कि देशभक्ति केवल देश को मां बोलकर ही तय की जाएगी। हाँ। मगर जिस प्रकार से एक प्रोवोकेटिव थॉट को ओवैसी साहब रख रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, उनका कोई छुरी भी मेरे गर्दन पे रख दे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। इसको कहने के कई और तरीके थे। आप देखिए, यह भी लिखा नहीं हुआ है कि जब जनगणमन गाया जाए तो खड़ा होना है, मगर हम सब खड़े होते हैं क्योंकि ये विश्वास का विषय है। कल को ओवैसी साहब कहेंगे मैं तो खड़ा नहीं होऊंगा, क्योंकि जनगणमन पे खड़े होने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, फिर क्या हम डिबेट करेंगे। मैं तो ओवैसी साहब से और उनके नुमाइंदों से ये पूछता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहां लिखा हुआ है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए फिर देखिए हिंदुओं का क्या होता है। कहां लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में ये? बड़े वहां छाती पीट पीट के ये भाषण दे रहे थे। मैं आपको बिल्कुल दो टूक शब्दों में कहता हूं, ओवैसी साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझे क्षमा करिएगा, मगर ओवैसी साहब जिन्ना के अब्बू बनने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। संविधान में तो ये भी नहीं लिखा ना, चमकाने के लिए वो हिंद, संविधान में तो सर ये भी नहीं लिखा कि बात बात पर सबको पाकिस्तान भेजिए। नहीं, पाकिस्तान कौन भेज रहा है? पाकिस्तान कोई भेज नहीं रहा है, वो हिंदुस्तान के टुकड़ी अलग करने की कोशिश, हिंदुस्तान के एक और टुकड़ी अलग करने की कोशिश और उसकी सियासत करने में वो हमारे भाइयों को, जो मुस्लिम भाई हैं, उनको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं बताता हूं, मेरे भी जो मुसलमान दोस्त हैं उन्होंने मुझे आज बताया कि ये ठेकेदार ना बने मुसलमानों का। एक सेकंड, ये चलने वाला है। एक सेकंड, फहीम बेग साहब यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत माता की जय मैं नहीं बोलूंगा, मैं जय हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगा। आपकी नजर में ये सही है या गलत है? मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, चाहे फहीम बेग साहब हो चाहे ओवैसी साहब हो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा बोल बोल के चार बार बोल चुके हैं। कल अपने भाषण में ओवैसी साहब भी नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा करके दो बार भारत माता की जय हमारे आंखों के सामने बोल दिया। सर घुमाइए मत, अगर ये हराम होता है तो वो बोल घुमाइए मत। मैं घुमा नहीं रहा हूं, आप कह रहे हैं कि आपको आपको ओवैसी के तरीके पर एतराज है, ठीक है, ओवैसी साहब को एक सेकंड के लिए साइड में रख दीजिए। मौलाना अंसार रजा, फहीम बेग साहब दोनों कहते हैं कि मैं बोलूंगा लेकिन मैं भारत जिंदाबाद बोलूंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगा, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। सही हूं मैं? ठीक, आपको एतराज है? दोनों गलत है? नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। देखिए, भावना किस प्रकार की है, भावना व्यक्त करने का विषय होता है। किस प्रकार का भावना अभी ओवैसी साहब ने रखा वो हमने देखा। गर्दन में छुरी रखोगे तब भी मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। नहीं, इस बार सीधा जवाब दे दीजिए संबित जी। और मेरा तीसरी कोशिश कर रही हूँ सर, तीसरी कोशिश, क्या ये देशभक्त है या देशद्रोही है? एक सेकंड सर, देशभक्त है या देशद्रोही है? देखिए, चंद दिनों पहले जनगण मन पर भी कुछ लोग खड़े होने से एतराज कर रहे थे। आप फिर कहीं और ले जा रहे हैं सर, कि वो देशद्रोही है या देशभक्त? फिर आप कहीं और ले जा रहे हैं, देशभक्त या देशद्रोही? सुनिए, देशभक्त या मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर, चंद शब्दों में डिफाइन नहीं सर। देखिए, स्पष्टता, आप अगर पांच लाइन बोलने देंगे, नहीं सर पांच लाइन नहीं सर, पांच लाइन बोलने दीजिए। सोच में स्पष्टता कितनी है आपकी, यही समझने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल स्पष्टता, आपको देश परखेगा इस बात पर। आप सत्ताधारी पार्टी के सबसे मुखर प्रवक्ता हैं, तो संबित पात्रा जी मुझे बताइए, ये दोनों यहाँ पर बैठे हैं, कहते हैं मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगा, जय हिंद बोलूंगा, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, क्या ये दोनों गलत हैं? सीधा जवाब। देखिए, पहली बात तो है, ये गलत और सही 10 सेकंड में प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।
मैं इनको देशद्रोही करार कुछ और दूसरा मैं नहीं कहूंगा कि हमारे फहीम बेग साहब या मौलाना साहब देशद्रोही हैं, मगर मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डिबेट जरूर करूंगा कि क्यों नहीं कहेंगे आप मेरे भाई, आप जरूर कहिए, क्योंकि आप डिबेट मत कीजिए, बड़े लोग हैं अपने समाज के, अपने समाज के बड़े लोग हैं, आपके कहने से बहुत बड़ा संदेश पूरे समाज में जाता है, पूरे देश को आज आप समझ, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, 10 सेकंड दे दीजिए संदीप जी, मौलाना साहब पूरी 10 सेकंड दे दीजिए, फिर आप पूरा समय कहिएगा, 10 सेकंड दे, देखिए देखिए यहाँ सब मौजूद लोग बैठे हैं, आप इनसे पूछिए 1947 में 1942 में 44 में वंदे मातरम का नारा मुसलमान भी लगाते थे, कोई ऐतराज उनको नहीं था, मगर आज 2016 आते आते वंदे मातरम नहीं कहेंगे, ये ऐतराज कौन लाया? बड़े बड़े जो मुसलमान गुरु बने हुए हैं मौलाना साहब जैसे ओवैसी जैसे, उन्होंने ये एक जहर घोला उनके मन में कि वंदे मातरम नहीं कहना है, अरे इस्लाम तो उससे पहले भी था, वंदे मातरम तो मुसलमान भाई हमारे कहते थे उस समय हराम नहीं होता था, ये 2016 में हराम क्यों हो गया, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या देश को पुनः बांटने की साजिश नहीं हो रही है? ठीक है ठीक है, आपने अपनी बात कह ली राकेश जी, देखिए एक सेकंड से, हाँ, ये दोनों देशद्रोही हैं? देशद्रोही मैं नहीं मानूंगा, हाँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि हाँ, भारत माता की जय एक सामूहिक चेतना का प्रतीक था, सुन लीजिए बात, आप भी बच रहे हैं, नहीं बचने रहा हूं, जब आप कहते हैं कि पृथकतावाद, ये देशद्रोही होना और पृथकतावादी मानसिकता होना में अंतर है, ये पृथकतावादी मानसिकता है जो भारत माता की जय कहने से इंकार कर रहा है, देखिए जिद होना कि मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, यह जिद इसलिए है, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है, इस देश में, इस देश का आधार सांस्कृतिक है और सांस्कृतिक विरासत पर भारत खड़ी है, और उस भारत को यदि आप मां नहीं मानते, कहते मैं मां नहीं मानूंगा, इसका अर्थ है कहीं ना कहीं वही लीगी मानसिकता काम कर रही है, जिस लीगी मानसिकता ने कहा यह देश भोग की वस्तु है, जो भोग की चीज मेरा है मैं लेकर पाकिस्तान जा रहा हूं, जो भोग की चीज तुम्हारा है तुम लेकर हिंदुस्तान में रहो, ऐसा नहीं हो सकता 47 के बाद। जिद क्यों? कोई जिद नहीं है, हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, असदुद्दीन साहब को नहीं बोलना था, वो ये कह देते भाई मैं नहीं बोलूंगा, बात खत्म हो जाती, ये जो भड़काने वाली गुफ्तगू आसानी से खत्म नहीं हो रही, लेकिन सुन लीजिए, ये जो भड़काने वाली बात जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया है, मैं चूंकि कल मैंने उनके प्रवक्ता से पूछा भी था कि आपसे किसने कहा था कि आप बोलिए, जो आप ये कह रहे हैं कि चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दी जाए तब भी मैं नहीं बोलूंगा, ये कब तक मुसलमानों को भड़काया जाता रहेगा? भारत माता का जहां तक सवाल है, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम कहते हैं माँ तुझे सलाम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, क्या हम देशद्रोही हो गए? मतलब वंदे मातरम बोले में आपको कोई ऐतराज नहीं है? वंदे मातरम हम क्यों बोलेंगे भाई, जब हम हिंदुस्तान जी कह रहे हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वंदे मातरम मैं क्या बुरा है इसमें, समानांतर रेखाएं चल रही हैं, सुनिए एक समान देखिए क्या बुरा है, लफ्जों का फर्क है, हम उर्दू में बोल रहे हैं आप हिंदी में बोल रहे हैं, ये दो दुई राष्ट्र, हम अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं तो भारत माता की जय, वंदे मातरम पर ऐतराज है, वंदे मातरम पर ऐतराज है, देखिए वंदे मातरम हो या एक लफ्ज उसमें और है भारत भाग विधाता हो, राष्ट्रीय गीत का शहीद, ये राष्ट्रीय क्लास मत लीजिए, आप बताइए राष्ट्रीय गीत में राष्ट्रगीत में बहुत अंजना जी, मैं आपको याद दिलाऊं मौलाना अंसार साहब ने जनगण मन पर भी ऐतराज किया था, उन्होंने कहा था जनगण मन भी नहीं गाऊंगा, जनगण मन पर ऐतराज नहीं किया था, भारत भाग्य विधाता पर ऐतराज किया था, आपने किया अपनी था आप देख ठीक कर लेंगे, इसी आज तक के ऊपर वाला शो जो ऊपर वाला देख रहा है उसी में मैंने ये बात कही, मैं नहीं कहूंगा, मैं जब इस बात को कहता हूं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हम बुलबुल है इसकी ये गुलसिता क्या बुरा है, अंसार साहब ये बताइए, अरे भारत भाग्य विधाता पे आपने ऐतराज हमेशा किया, आप दोनों लोग मुझे भारत माता का डेफिनेशन बता दीजिए कि भारत माता क्यों समझदार आदमी है, बड़ा पढ़ा लिखा मानता हूँ, आप मुझे भारत माता की डेफिनेशन बता दीजिए इंटरनेशनल, सुन लीजिए बताइए, हाँ। देखिए भारत माता का मतलब यही है कि भारत के एक सांस्कृतिक राष्ट्र पुरुष है, उस राष्ट्र पुरुष को हम माँ के रूप में देखते हैं, बाकी राष्ट्रता पुरुष को कैसे आप माँ के रूप में देखते हैं, वही मैं समझना चाह रहा हूँ, राष्ट्र के
भूमि और पुत्र, भूमि और पुत्र, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है, सुन लीजिए, ये कौन डिसाइड करेगा? बात सुन लीजिए ना, और मैं एक बात पूछना चाहूंगा, कहते हैं क्या बुरा है? मैं संपित जी से और राकेश जी से एक सवाल करना चाहता हूं। इस भारत माता के टुकड़े हरियाणा में अभी कुछ दिन पहले हुए, चीथड़े उड़ाए गए, तब ना आरएसएस सामने आए ना भाजपा सामने आए। अभी कुछ दिन पहले इस भारत माता के सपूतों को जलाने की बात कही ठाकरे ने, तब उसके लिए आगे नहीं आया। आप उत्तर सुने, अगर एक आदमी कहता है कि जला दो मार दो और उसके अनुयायी वो जला भी रहे हैं, वहां पर इनकी जबान नहीं खुलती। जो, जो, मगर एक विशेष समुदाय का कोई भी व्यक्ति अगर कोई बात कहे तो तलवारें निकाल देते हैं। संदीप जी की बात और राकेश सिन्हा जी, मैं दोनों लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, राकेश सिन्हा साहब से और डॉक्टर संबित पात्रा साहब से। मैं यहाँ बैठा हूँ कि आप दोनों लोगों को मेरी उत्तर भी नहीं लेंगे, कुछ मैं शंका है क्या? मैंने क्या कहा? यदि पृथकतावादी मानसिकता क्या होती है, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए ना जी। यदि आप कहते हैं वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे, हम देखिए धर्म को, आप धर्म को आप मूल्य की बात कीजिए ना। मुझे जब हम ये कह रहे हैं, एक सेकंड राकेश जी, तो आपने कहा था कि भुगतना पड़ेगा अगर नहीं कहेंगे, तो इन जैसे लोगों को भी भुगतना पड़ेगा भाई? हम भुगतना क्या होगा? भुगतना पड़ेगा, धमकी नहीं होती है, भुगतना पड़ेगा जो आपको सामाजिक रूप से, क्या धमकी आप दे रही है? धमकी दे रही है, सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा भारत के मुसलमानों को, आप धमकी दे रहे हैं। वंदे मातरम आपने कहा, क्या क्या होगा इसका परिणाम? क्या परिणाम वक्त की कमी, ठीक है आपने अभी बात, जल्दी से संबित जी अपनी बात, उसके बाद में आ रही हूँ सर, जल्दी से संबित जी, जल्दी से अपनी बात। मैं एक दिल की बात कहूंगा, आप दिल की बात कहूंगा, दोनों हमारे अंसार भाई और फहीम बेग भाई बुरा ना माने। आप देखिए 1947 से पहले जिन्ना साहब, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू इसी प्रकार बैठ के विमर्श करते थे, आप भाई थे, वो सब आपस में भाई थे, मगर आप देखिए किस प्रकार जिन्ना साहब के एक विकृत मानसिकता के कारण आज हिंदुस्तान के मानचित्र में विकृति आ गई है। डर लगता है ओवैसी जैसे व्यक्ति से कि लगता है क्या हमने सपोर्ट किया क्या जिन्नावादी को, हिंदुस्तान के मानचित्र में विकृति ना ला दे। सर डर लगता है, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, इस भारत माँ को हम सबको सम्मान देना होगा, इसे सम्मान नहीं दे रहा है। ठीक है, ठीक है, आपने अपनी बात कही, जल्दी से राकेश, एक लाइन में बोलना होगा, वक्त खत्म हो चुका है। 1920 के कांग्रेस के अधिवेशन, नागपुर के कांग्रेस के अधिवेशन में जिन्ना ने कहा कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी कहूंगा, महात्मा नहीं कहूंगा, उसमें लोगों ने कहा छोटी बात है, ये धर्म से अलग राजनीति करना चाहते हैं, वही महात्मा नहीं कहना, अंत में 47 तक पहुंचाया, जो महात्मा गांधी के हाथ में भी नहीं रह गया विभाजन, यही पृथकतावादी मानसिकता। चलिए हमें इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा, लेकिन फहीम बेग साहब एक सवाल पूछे बिना मैं नहीं जा सकती हूं। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है और बहुत सिंपल सा सवाल है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि देश बहुत बड़ा है आपके लिए और देश के लिए आप जान कुर्बान करने को तैयार हैं, आपके पूर्वजों ने किया है, क्या उस भक्ति में, क्या उस प्रेम में शर्त रखने की जगह होनी चाहिए कि मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं ये तो बोलूंगा लेकिन यहां नहीं बोलूंगा, मैं वो तो बोलूंगा ये नहीं बोलूंगा, शर्त होनी चाहिए हाँ या ना? बिल्कुल शर्त नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना? देश बहुत बड़ा होता है, जो रिश्ता है वो दिल से है और खून से है, हमारे तो खून से है, देखते रहिए। अब अगली खबर का रुख करेंगे, देहरादून में घोड़े पर विधायक की बेरहमी की तस्वीरें सामने आई हैं। विधानसभा घेराव के कार्यक्रम में घुड़सवार पुलिस के रोकने पर बीजेपी विधायक गणेश जोशी इतना भड़क गए कि घोड़े पर लाठियों से हमला। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू बना।